एसी लगाकर, कूलर लगाकर, बड़े बड़े जो हैं फ्रिज लगाकर वहाँ पर वो डेली शाम को बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। अगर वो किसान होते तो मोदी जी उनकी आवाज़ जरूर सुनते। इस बार 400 पार के नारे पे ठप्पा है। बिल्कुल 400 पार ही करने हैं उनको, और काम के ऊपर वो पार करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। 400 पार पूरे देश के अंदर जो काम चल रहा है, डैम बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, IIT बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो ये युवा उसके अंदर अगर भागीदारी नहीं निभा रहे हैं तो कौन निभा रहा है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। चाय पे चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि मोदी जी को भी लगातार इसी नाम से ही जाना जाता है कि चाय वाला कहकर लगातार उनको पुकारा जाता है, और आज चाय वाला देश को संभाल रहा है, विदेशों में नाम कर रहा है, डंका बजा रहा है, कम बात थोड़ी है। अब यहाँ पर चाय पे चर्चा कर रहे हैं। देखा जाए पहले तो स्टॉल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये पूरा स्टॉल है जिसमें लिखा है कि नमो टी स्टॉल, और यहाँ पर नमो टी स्टॉल के साथ साथ देश की एक ही गारंटी, मोदी की गारंटी की बात की गई है। तो सीधा बात करेंगे यहाँ पे निगम पार्षद जी है मनोज कुमार जी। सर, यहाँ पर अगर देखा जाए चाय पे चर्चा, उसके बाद मोदी जी की गारंटी, पूरा एक ही मेल जोल लगता है। देखिए, मोदी जी की तो गारंटी है कि विकास राष्ट्र का 100% करेंगे। हर घर के अंदर जल पहुँचाएंगे, हर गांव में बिजली पहुँचाएंगे, हर घर तक सड़क पहुँचाएंगे, और देश की उन्नति के लिए ही काम करेंगे। गारंटी है, एक रुपए की घूस नहीं होगी, करप्शन मुक्त भारत होगा। आपके सामने है पूरी पूरी, जितने भी हमारे सांसद रहे, एक के ऊपर भी आरोप नहीं आया कि कोई, जैसे पहले 2G घोटाला होता था या हवा। ऐसा कहा जाता है कि किसी और पार्टी का नेता भाजपा में आए तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, और जब तक दूसरी पार्टी में रहता है तो आरोप होते हैं। देखिए, अगर हमें पूरे सिस्टम के अंदर रहते हुए और देश के अंदर विकास करना है तो कुछ तो उठक पटक भी होंगी, लेकिन दूध का धुला हुआ तो वो व्यक्ति तब भी नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो अच्छा काम आज सोच ले, अच्छा काम करूँगा, तो आज से उसको चांस दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है, उसका स्वागत है। और अगर हमारी विचारधारा के साथ अगर वो जुड़ना चाहता है, अगर हमारी विचारधारा के साथ वो जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। तमाम चीज़ें कही जाती है कि भाजपा ने मतलब कि राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, 3 तलाक हो गया, लेकिन यहाँ पर जब युवाओं की बात आती है तो कहा जाता है ये रोजगार नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिला युवाओं को। इतना क्षेत्र के अंदर, पूरे देश के अंदर जो काम चल रहा है, डैम बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, IIT बन रही हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो ये युवा उसके अंदर अगर भागीदारी नहीं निभा रहे हैं तो कौन निभा रहा है। जितनी नौकरी, अगर बोलो 10-10 हज़ार लोगों को, अभी मैं हाईवे का कल का उद्घाटन है, वो हाईवे को बनाने के लिए कितना आदमी लगा होगा आपके हिसाब से? कम से कम मेरे हिसाब से 1 लाख आदमी उन्हें मिलकर जो है ये द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया होगा। 5 कंपनी, बड़ी कंपनी उसको बना रही है, उसके अंदर जितना पढ़ा लिखा बच्चा इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है, ये कहाँ से? उनको जब हम रोजगार तभी तो मिलेगा जब हम काम निकालेंगे। आज राष्ट्र का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, वहाँ नए नए जो है प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उनमें ये जो युवा है इनको रोजगार ही तो मिल रहा है। कहते हैं कि उधर देखिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कहते हैं कि महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, युवाओं को न्याय दिलाएंगे, खास करके किसानों को न्याय दिलाएंगे, बॉर्डर्स पे बैठे भाजपा सुनने को राजी नहीं। बॉर्डर पे वो लोग बैठे हैं जो मठाधीश हैं, किसान नहीं बैठा। अगर किसान बैठता तो उनकी आवाज़ जरूर पहुँचती, किसान तो वहाँ बैठा ही नहीं है। AC लगाकर, कूलर लगाकर, बड़े बड़े जो हैं फ्रिज लगाकर वहाँ पर वो डेली शाम को बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। अगर वो किसान होते तो मोदी जी उनकी आवाज़ जरूर सुनते। वो तो वो लोग बैठे हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो मोदी जी को रोकना चाहते हैं, लेकिन जनता ने तो ठान लिया मोदी जी 100% तीसरी बार। बिल्कुल, आपके पास में इंदरलोक है, वहाँ पर घटना हुई थी, अभी देखा हमने कि किस तरीके से पुलिस वाले ने लात मारी है मुसलमान को, तो कहीं ना कहीं भाजपा से जोड़ के देखा जा रहा है उस मुद्दे को कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है और इसलिए ये सब हुआ। आप अगर उसकी वीडियो की पूरी फुटेज देखेंगे ना बहन, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि रोड पर नमाज नहीं होगी, लेकिन कुछ सामाजिक असामाजिक तत्व जो हैं इसको जो है हवा दे रहे थे, और वो लगातार पुलिस वालों को भी परेशान कर रहे थे कि नहीं हम तो यहीं बैठकर करेंगे। तो उस पुलिस वाले ने जो करा वो तो शर्मनाक है, लेकिन हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए, पुलिस वाले को भी करना चाहिए, तो अपने जो है मुस्लिम भाई हैं उनको भी करना चाहिए, और ऐसा बात नहीं है, वहाँ शांति आज की तारीख में। बिल्कुल, अगर अब 24 में सरकार आएगी नहीं आएगी वो तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब की बार क्या मुद्दा है, क्योंकि सब लोग कह रहे, खास करके विपक्ष कह रहे कि राम नाम तो हो गया है, अब आगे की बात करते हैं। जी,
हमारे पास जो हमारे 2014 में मुद्दे थे, 2019 में मुद्दे थे, लगभग हमने सब पे काम कर लिया है। अब उनको कहने के लिए कुछ बचा नहीं, अब उनका एक ही टारगेट है कि मोदी जी को कैसे टारगेट करें। मोदी जी टारगेट हो नहीं रहे, उनसे सारे एकजुट हो गए हैं, सारी पार्टियाँ जो परिवारवाद वाली पार्टी है सारी एकजुट हो गई हैं। और जब वो एकजुट हो गई हैं और आज कहीं ना कहीं मोदी जी को हराने का प्रयास कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब की बार उनकी राजनीति खुद ही समाप्त हो जाएगी। जितनी भी राष्ट्र जो राष्ट्र को नीचा दिखाने का काम करने वाली पार्टियां हैं या अपने परिवार के लिए सिर्फ राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, इन सब की हार हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी तो ऐसे हैं, अभी आपने देखा 3 स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री कैसे लेकर आए, किसी को सपने में भी नहीं आ सकता था। राजस्थान देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश देख लीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो एक गरीब चाय बेचने वाले का बच्चा प्रधानमंत्री बन सकता है। उन पार्टियों में तो जो बनेगा उनके परिवार का बनेगा, सत्ता चलाएंगे तो उनके परिवार के लोग ही चलाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारी पार्टी की ऐसी पराकाष्ठा। आपने कैसे सोचा कि चाय पे चर्चा हो, टी स्टॉल लगाया जाए और निशुल्क चाय पिलाई जाए लोगों को, कैसे सोचा आपने? आप देखिए ना, आप इनसे बात कीजिए, ये मोदी जी को चाहते नहीं चाहते हैं, हमने तो इन्हों पूछिए ना, पूछिए क्या मोदी जी आ रहे हैं 24 में? अब जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो इतना काम कर रखा है, हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद मनोज जिंदल जी हैं, ये सार्थक हैं, जो हमारी युवा कार्यकर्ता हैं सब साथ लगे हुए हैं, और हमारे नगर में जो भी कार्य हो रहा है मोदी जी अथक प्रयासों से हमारे मनोज जिंदल पार्षद जी द्वारा, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। मोदी जी आएंगे, एक चाय मोदी जी के नाम। हाँ मोदी जी के नाम है जी। हाँ जी, अच्छा तो आ रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल आएंगे, फुल बमस से आएंगे। कहते हैं मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। हाँ बिल्कुल मसीहा जी, बिल्कुल। आप भी मोदी जी के नाम कर रहे हैं चाय? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ आ रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल 100% आएंगे जी मोदी जी। की बार 400 पार के नारे पे ठप्पा है, बिल्कुल 400 पार ही करना है उनको, 400 पार और काम के ऊपर वो पार करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे सिर्फ दिखावे के लिए, नहीं 400 पार होंगे। काम विकास हुआ है, विकास हो रहा है और कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं राष्ट्रहित के। विपक्ष से देखा नहीं जा रहा देश का विकास? नहीं, हर घर मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी 400 पार, आपकी बार 400 पार। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि तमाम लोगों ने अपनी राय दी है चाय पे चर्चा, हमने एक तरीके से लगभग किया, लोग चाय पी रहे थे यहाँ पर, और मोदी जी को लेकर जो नारा लगातार लग ही रहा है कि अब की बार 400 पार भाजपा सरकार को लेकर, और हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा 2014 से लगातार हम सुन रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। अब आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा इस पर कि क्या लगता है 24 के चुनावों में ज़्यादा समय तो नहीं रह गया, उस पर क्या राय है, देखते रहिए लीडिंग भारत।